लेसन नंबर 6 बहन का गांव। बहन का गांव ये शिक्षा पर कहानी है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बुराई नहीं करना चाहिए बल्कि हमें सच के रास्ते पर चलना चाहिए और सच बोलना चाहिए। इसे लिखा है कन्हैया लाल मिश्र जिन्हें और प्रभाकर भी कहते हैं। तो ये शिक्षा पर कहानी है जिसे लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। मेरी लेखे के शब्द निराला मीन्स अद्भुत, बलवान मीन्स मजबूत, ऐलान मीन्स घोषणा, निवासी मीन्स नगर में रहने वाले, शांति से मीन्स आराम से, भावुक मीन्स करुण भाव, बेफिक्री मीन्स बिना फिक्र के जिसे किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो, खबर मीन्स सूचना, माथा मीन्स मस्तक, कड़क्कर मीन्स ऊंची आवाज में, लीडर दासन मीन्स बिना डरे, वोचक मीन्स हैरान, योजना मीन्स तरकीब। एक बार फिर से मीनिंग निराला अद्भुत, बलवान मजबूत, ऐलान घोषणा, निवासी नगर में रहने वाले, शांति से आराम से, भावुक करुण भाव, बेफिक्री बिना फिक्र के, खबर सूचना, माथा मस्तक, कड़क पर ऊंची आवाज, निडरता से बिना डरे, घोचा हेरा, योजना तरकीब। अब हम इस शिक्षा प्रद कहानी को पढ़ेंगे। कहानी का नाम है फिर से एक बार रिपीट, बहन का गांव। एक क्रूर डाकू था। कैसा डाकू था? बहुत निर्दयी, क्रूर, जिसको किसी पर कोई दया नहीं थी। उसका नाम सुल्ताना था। डाकू का क्या नाम था? सुल्ताना। उसको मरे वर्षों बीत गए पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में अब भी हर आदमी को उसका नाम याद है। जब वह जीवित था तब लोग उसका नाम सुनते ही डर के मारे थर थर कांपते थे। एक बहुत क्रूर, बहुत निर्दयी, जिसको किसी के ऊपर कोई दया नहीं थी, डाकू था और उसका नाम सुल्ताना था। तो उसको मरे हुए तो बहुत समय हो गया। वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में था लेकिन अब भी वहाँ का कोई व्यक्ति सुल्ताना के नाम को याद करता है तो भी लोग उसका नाम सुनते ही डर से कांपने लगते थे। सुल्ताना का डाका डालने का तरीका भी निराला था। वह डाका डालने से कई दिन पहले उस गांव में जिसमें उसे डाका डालना होता था खबर भेज देता था कि मैं इस दिन डाका डालने आऊंगा और ठीक उसी दिन वह आ धमकता था। तो सुल्ताना का जो डाका डालने का लोगों पे लूटने का तरीका था वह भी निराला मीन्स अद्भुत, बहुत अद्भुत था। उसको जिस गांव में या जिस घर में डाका डालना होता था, चोरी करने के लिए डाका डालना था, तो वह उस गांव में पहले से ही खबर भेज देता था कि मैं इस दिन को, इस बार को इस घर में डाका डालने आऊंगा और ठीक उसी दिन वे उस गांव में और उस घर में डाका डालने पहुंच जाता था। एक बार उसने एक गांव में डाका डालने की खबर भेजी। गांव बड़ा था और उसके निवासी भी बलवान थे। गांव वालों ने डाकू सुल्ताना का मुकाबला करने के लिए एक योजना बनाई। सब लोग उस दिन अपने अपने मकान बंद रखेंगे और जब सुल्ताना आएगा तो बंदूक वाले अपनी छत पर से बंदूक चलाएंगे। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। एक बार सुल्ताना ने एक गांव में डाका डालने की खबर भेजी तो गांव तो बहुत बड़ा था और उसके गांव के जो लोग थे वह भी बहुत बलवान थे, वे भी निडरता से सबका सामना करने वाले थे। तो गांव वालों ने विचार किया कि हमें इस डाकू से मुकाबला करना चाहिए। तो उन्होंने एक योजना बनाई, सब लोगों ने एक योजना बनाई कि जिस दिन सुल्ताना डाका डालने के लिए आएगा
किसान की सॉरी उसमें एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। समय की बात की उस दिन किसान बाहर गया हुआ था और घर में अकेली उसकी पत्नी करला थी। करला ने गांव वालों की सलाह मानने से इनकार कर दिया। गांव में सब मकान पास पास में होते थे और लेकिन एक घर ऐसा था जो गांव से बहुत थोड़ी दूर था, गांव के हिस्से में था। उसमें एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन समय ऐसा आया कि उस दिन वो जिस दिन दाका डालने आने वाला था उस दिन किसान बाहर गया हुआ था और घर में उसकी पत्नी करला अकेली थी। तो किसान की पत्नी का क्या नाम है? तो किसान की पत्नी का नाम है करला। तो जब गांव वाले लोगों ने जो सलाह दी थी तो करला ने उस सलाह को मानने से इनकार कर दिया। ऐलान की गई तारीख पर सुल्ताना अपने साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर आ निकला। उसका रास्ता भी करला के मकान की तरफ से ही था। मकान खुला हुआ था और दरवाजे पर करला खड़ी थी। डाकू ने जिस दिन जो तारीख का ऐलान किया था वो उस दिन अपने साथियों को लेकर घोड़े पर सवार होकर गांव में डाका डालने के लिए आ गया। तो डाकू का जो गांव में आने का रास्ता था वह रास्ता करला के मकान की वहीं से आता था। तो करला ने उस दिन अपना मकान खुला रखा हुआ था और दरवाजे पर वह खुद खड़ी थी। सुल्ताना ने कड़क कर पूछा, तू यहाँ क्यों खड़ी है? करला ने निडरता से कहा, भैया आपका इंतजार कर रही हूँ। सुल्ताना जोर से हंस पड़ा, तू मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? करला ने शांति से उत्तर दिया, भैया आज का दिन भी इंतजार का है। सुल्ताना कुछ मतलब नहीं समझा। वह उसके घर की तरफ बढ़ा और उसने देखा करला के घर का आंगन फूलों से सजा हुआ है। चौकी पर एक थाल है जिसमें रोली चावल लड्डू और नारियल रखे हुए हैं। सुल्ताना ने हैरानी से पूछा, ये सब यहाँ क्यों रखे हैं? करला को बाहर खड़े देखकर सुल्ताना ने कड़क कर अपनी आवाज से करला से बोला कि तू यहाँ क्यों खड़ी है? तो करला ने भी बिना डरे हुए जवाब दिया, भैया मैं तो आपका ही रास्ता देख रही थी, आपका ही इंतजार कर रही हूँ। करला के मुंह से ये शब्द सुनकर सुल्ताना जो डाकू था वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तू मेरा इंतजार क्यों कर रही है? तो करला ने शांति से उसकी बात का उत्तर दिया कि भैया आज का दिन तो इंतजार का ही है। सुल्ताना इसका कुछ मतलब नहीं समझा। वह करला के घर की ओर देखने लगा और उसके घर की ओर बढ़ा। तब उसने देखा कि करला के घर का आंगन घर के बाहर की जो खाली जगह होती है उसे आंगन कहते हैं। तो उसका आंगन पूरी तरह फूलों से सजा हुआ था। चौकी पर एक बूटे जैसा बना हुआ था चौकी। उस पर एक थाल था जिसके अंदर रोली चावल लड्डू और नारियल रखे हुए थे। सुल्ताना ने को बहुत आश्चर्य हुआ तो उसने पूछा कि यह सब यहाँ क्यों रखे हैं? करला ने कहा, आपको पता नहीं आज भैया दूज है। आज के दिन हर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर मिठाई खिलाती है और नारियल भेंट करती है। सुल्ताना भौचक रह गया। उसने कहा, पगली क्या तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं तो डाकू हूँ, डाकू। मैं तुम्हारे गांव को लूटने आया हूँ। बड़ी बेफिक्री से करला बोली, होंगे डाकू और आए होंगे गांव को लूटने, पर आज के दिन तो जो घर के द्वार पर आता है वह भाई ही होता है। ये कहते हुए करला ने सुल्ताना के माथे पर तिलक लगा दिया। करला ने डाकू से कहा कि भाई आपको पता नहीं आज भैया दूज है। आज के दिन क्या होता भाई दूज के दिन हर बहन अपने भाई के माथे पर
पागल हो क्या? तुम मुझे नहीं जानती हो। मैं कौन हूँ? मैं तो एक डाकू हूँ, डाकू, और मैं इस गांव को लूटने आया हूँ। सुल्ताना ने उसके इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया और बड़ी बेइज्जती से बोली कि होंगे आप डाकू और आए होंगे आप गांव को लूटने लूटने, पर आज के दिन तो जो घर के दरवाजे पर आता है वह भाई ही होता है। और ऐसा कहकर उसने सुल्ताना के सिर पर माथे पर तिलक लगा दिया। सुल्ताना थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, फिर जेब में जितने भी रुपए थे निकालकर थाल में रख दिए, फिर भावुक होकर बोला, बहन सुल्ताना बंदूक की गोलियों से नहीं डरता, पर तूने आज उसे अपने प्यार से हरा दिया। इतना कहने के साथ ही सुल्ताना ने अपनी आंखों में भर आए आंसू बहन से छिपाने के लिए मुंह फेर लिया और बोला, बहन आज से तेरी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। बहन के घर से लौटते हुए सुल्ताना ने अपने साथियों से कहा, सब जगह ऐलान कर दो कि कोई चोर डाकू इस गांव में न आए, क्योंकि यह सुल्ताना की बहन का गांव है। अपने सिर पर तिलक लगा देखकर सुल्ताना जो था वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाले और जेब में जितने भी रुपए थे निकाल कर सब करला की थाली में रख दिए। फिर बड़े भावुक होकर करुण भाव से उसने कहा कि बहन सुल्ताना इतना बड़ा डाकू जो बंदूक की गोलियों से नहीं डरता, लेकिन आज तुमने उसे अपने प्यार से हरा दिया। इतना कहने के बाद सुल्ताना की आंखों में जो आंसू आ रहे थे तो उसको छुपाकर उसने अपना मुंह फेर लिया और कहा कि बहन आज से तुम्हारी रक्षा करना मेरी जवाबदारी, मेरी जिम्मेदारी है। और जब वह करला के घर से वापस जा रहा था तब उसने अपने अन्य साथी जो डाकू साथी थे उनसे कहा कि सब जगह ऐलान मीन सब जगह ये घोषणा करवा दो कि कोई भी चोर या डाकू मेरी बहन के गांव में नहीं आए, क्योंकि अब यह गांव सुल्ताना की बहन का गांव है। इस तरह करला ने अपने प्रेम अपनी समझदारी से अपने गांव को उस डाकू से लूटने से बचा लिया और सुल्ताना को अपना भाई बना लिया। मोरल है, सीखे बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है, हर बुराई को हम अपनी अच्छाई से जीत सकते हैं। क्वेश्चन कुछ छोटे छोटे, डाकू का क्या नाम था? तो डाकू का नाम सुल्ताना था। डाकू कैसा था? तो डाकू बहुत क्रूर था, लोग डाकू से बहुत डरते थे। सुल्ताना के डाका डालने का तरीका कैसा था? तो सुल्ताना के डाका डालने का यह तरीका था कि वह जिस दिन डाका डालना होता था उस दिन उस गांव में खबर भिजवा लेता था। भैया दूज के दिन क्या होता है? भैया दूज के दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और मिठाई खिलाकर उपहार में नारियल देती है। इस पार्ट का नाम बहन का गांव क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर एक डाकू को भाई के रूप में एक बहन ने स्वीकार किया गया। राइट और कुछ, गांव वाले सुल्ताना से प्यार करते थे? नहीं, गांव वाले तो उससे बहुत डरते थे। सुल्ताना गांव को लूटने आया था? यस, हाँ। करला ने सुल्ताना को माथे पर तिलक लगा दिया था? हाँ, करला ने सुल्ताना को मस्तक पर तिलक लगा दिया था। करला डरपोक वह कमजोर औरत थी? नहीं, करला तो बहुत बहादुर औरत थी। सुल्ताना कौन था? वह बहुत बड़ा डाकू था। गांव के निवासी कैसे थे? गांव के निवासी बहुत बलवान थे। सुल्ताना ने एक गांव में डाका डालने की खबर दे दी थी। आज का दिन भैया दूज का ही होता है। करला ने सुल्ताना के माथे पर तिलक लगा दिया था। करला ने डाकू सुल्ताना का हृदय कैसे परिवर्तित किया? करला ने डाकू सुल्ताना का हृदय अपने प्रेम से परिवर्तित किया था। अंत में सुल्ताना ने अपने साथियों से क्या कहा और क्यों? तो अंत में सुल्ताना ने अपने साथियों से कहा था कि सब जगह ऐलान कर दो
कि कोई भी चोर या डाकू इस गांव में नहीं आए, क्योंकि यह सुल्ताना की बहन का गांव है। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि करला ने उसे भाई का दर्जा दिया था। इस तरह कुछ नए शब्द बनाएंगे। नी प्लस पास तो क्या हो गया? निवास। जीव प्लस सी, इनको जब जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा जीवित। निडर प्लस का, निडर और का को जोड़ेंगे तो नया शब्द बना निडरता। बल प्लस वन, बल और वन को जोड़िए तो नया शब्द बना बलवान। गांव प्लस वाला, गांव और वाला को जोड़ा तो नया शब्द बना है गांव वाला। इसी तरह बेफिक्र प्लस की तो नया शब्द बना बेफिक्री। निवास प्लस की तो नया शब्द बना निवासी। थैंक यू।